हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल जगदीश राज एग्ज़ाम क्रैकर। तो हम जो कर रहे हैं वो होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इससे पहले हमने किया था इंडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है ना, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उस केस में। अधिक जानकारी के लिए आप पिछले लेक्चर देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है ना, आज हम जो डायरेक्टली हम आज जो करने जा रहे हैं वो होगा हमारा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, क्या होगा वो? आज हम करेंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है ना, नाउन हम अलग से भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसमें क्या होता है, ग्रुप रहता है। ठीक है ना, जैसे देखो कलेक्शन रहती है, ग्रुप रहती है। जैसे देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख के दे देता हूँ। जैसे देखो हमारे पास आर्मी रहती है ना, आर्मी हो गई, आर्मी हो गई। ठीक है ना, बोर्ड हो गया, ठीक है ना, बॉडी हो गई। ठीक है ना, जैसे देखो फोर्स हो गई हमारे पास, है ना, गैंग हो गया, गैंग हो गया। देखो जैसे नेटवर्क हो गया, नेटवर्क हो गया, यूरी हो गई। ठीक है ना, ये सारे हमारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है ना, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब हम इस केस में देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे रहता है, कि हम ये कैसे, अगर ये सब्जेक्ट में हो तो हम जो वर्ब होगा वो कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, देखो सबसे पहले आप जो बात लिखो, ठीक है ना, ये याद रखना हमेशा, ग्रुप, जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप, वर्किंग वर्किंग टूगेदर, ग्रुप वर्किंग टूगेदर, ये हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर। क्या रहता है, हमेशा सिंगुलर रहता है, मतलब सिंगुलर वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, सिंगुलर रहता है। देखो अगर क्या हो, ग्रुप जो होता है ना, नॉट वर्किंग टूगेदर, ग्रुप तो होगा लेकिन वो नॉट वर्किंग टूगेदर होगा। ठीक है, एक साथ वो काम नहीं करेगा, तो उस केस में मेरे पास जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो क्या होगी, प्लूरल। क्या होगी, प्लूरल। ओके, ये आपको समझ आ गई होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, एग्जांपल लिख लो आप इसके, एग्जांपल लिख लो। देखो द, मैं देखो द टीम, द द इंडियन इंडियन क्रिकेट टीम इज, ठीक है, इज रेडी फॉर द मैच, रेडी फॉर फॉर द मैच। ठीक है, अब देखो जहां भी देखो मेरे पास वो भेजे, आपको जी तो पता चल गया होगा कि हमें सब्जेक्ट कैसे ढूंढना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन करो वर्ब से, ठीक है ना, हु इज रेडी फॉर द मैच, तो क्या आएगा आंसर, द इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है ना, ये क्या आएगा मेरे पास, सब्जेक्ट आएगा, ये क्या आएगा मेरे पास, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट ये, लेकिन देखो ये क्या है, क्रिकेट टीम है ना, टीम क्या है, एक पूरा ग्रुप है ना। देखो इंडियन क्रिकेट टीम क्या कर रही है, मैच के लिए जा रही है ना, मैच के लिए, लेकिन ये है तो ग्रुप, लेकिन देखो जो क्या कर रहा है, ये एक साथ काम कर रहा है ना, सारी टीम क्या काम करेगी, मैच खेलेगी ना सारी टीम, तो इसका मतलब ये क्या है, सिंगुलर आएगा। तो ये वाला मेरे पास कौन सा होगा, ये मेरे पास होगा सिंगुलर। वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी यहाँ पे, सिंगुलर। तो ये देखो वर्ब कौन सी है, सिंगुलर ही है ना, तो ये मेरा करेक्ट है। दूसरी नेक्स्ट एग्जांपल लिखो आप, द, ठीक है ना, ये सारे द यूरी, ठीक है ना, अगर मैं लिख लूँ बास डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, इन दियर ओपिनियन, यहाँ पे देखो बास मेरे पास क्या है, वर्ब है ना, बास क्या है मेरे पास, वर्ब है। क्वेश्चन करो उसको, ठीक है ना, हु वास डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, तो आंसर क्या आएगा, द यूरी। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है सब्जेक्ट, क्या है मेरे पास, सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट कैसा है तो ग्रुप है ना, लेकिन ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर दिया गया है ना, है ग्रुप लेकिन ये डिवाइड कर दिया है अपने अपने ओपिनियन में, तो इसका मतलब जब ये ग्रुप ये एक साथ काम नहीं कर रहा है तो ये क्या करेगा, प्लूरल होगा। ये क्या होगा मेरे पास, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। क्या होगा ये मेरे पास, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। ठीक है ना, तो वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी, प्लूरल होगी। लेकिन जहाँ पे क्या पता है ना, वर्ब के साथ एस लगाने से वो सिंगुलर सिंगुलर बन जाता है, तो वास का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, वर्ब होगा। तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर हम देखते हैं अगला, देखिए अब देखो कुछ, देखो आपने फ्रैक्शन देखा होगा, फ्रैक्शन, देखो फ्रैक्शन के केस में क्या होता है,
फ्रैक्शन का मतलब क्या है? हाफ है ना, हाफ रहता है ना, हाफ रहता है, जैसे को टू थर्ड है ना, ये हाफ ही है ना, ये फ्रैक्शन में रहती है ना ये, अगर मैथ में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। 3/4 हो गया, जैसे 3/4 हो गया है ना, जैसे देखो हाफ क्या होता है, 1/2, 2/3 क्या होगा, 2/3 है ना। इस तरह से जब हमारे पास सब्जेक्ट रहता है तो उस केस में हम वर्ब को कैसे इस्तेमाल करते हैं? देखो जनरली हमारे पास क्या रहता है, जो सेंटेंस में हमारे पास क्या रहता है, फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन के बाद हमारे पास ऑफ लगा होता है, क्या लगा होता है, ऑफ के बाद, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ क्या होगा, कोई भी सेंटेंस होगा, इसके बाद हमारे पास नाउन होगा, क्या होगा, नाउन होगा, उसके बाद कहीं हमारे पास क्या होगा, वर्ब होगी, ठीक है ना, वर्ब होगी, ठीक है ना। तो वर्ब को कैसे हमने सेट करना है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले इस नाउन को देखिए, देखो जहाँ पे नाउन हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, जी किस पर डिपेंड रहता है नाउन, देखो दो प्रकार के होते हैं ना मैक्सिमम, हम जो करते हैं अनकाउंटेबल, ऐसे तो 5-6 प्रकार के होते हैं, वो हम जहाँ पे नहीं करेंगे। देखो अनकाउंटेबल होते हैं ना, अनकाउंटेबल नाउन होता है हमारे पास, अनकाउंटेबल नाउन, और एक हमारे पास रहता है, क्या रहता है, काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। देखो अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, इनको हम काउंट कर सकते हैं लेकिन कोई कुछ यूनिट, फिजिकल यूनिट हम इसके साथ इस्तेमाल करके हम इसको काउंट करते हैं। जैसे को देखो आपने पढ़ा होगा लैंड हो गया है ना, हम 1 लैंड 2 लैंड नहीं बोलते, हम बोलते हैं हेक्टेयर है ना, इस तरह से हम लोग बोलते हैं, लैंड हो गया, कनाल, जैसे वाटर, देखो वाटर को हम क्या बोलते हैं, 1 ग्लास, ठीक है, 2 ग्लास वाटर, जब 1 वाटर थोड़े बोलते हैं, 2 वाटर थोड़े बोलते हैं हम, ज़्यादा लीटर में बोलते हैं ना। तो ये इनको हम क्या करते हैं, इनको मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं भाई यूनिट, ठीक, यूनिट के साथ, ठीक है ना। आप ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो आप समझ, आपको सिर्फ समझाने के लिए। काउंटेबल क्या है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 2 डॉग है ना, 2 डॉग हो गया हमारे पास, कैट हो गया, बैट हो गया, ठीक है ना, ETC, ठीक है ना, आपने ये पता होगा। अब देखो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना हमारे पास, अनकाउंटेबल नाउन, जैसे फ्रैक्शन के बाद ऐसे अगर जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन आया तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब देखो काउंटेबल नाउन हमारे पास दो प्रकार के रहते हैं ना, आपको पता होगा, एक तो हमारे पास सिंगुलर होते हैं ना, सिंगुलर आपको पता होगा, सिंगुलर होते हैं ना हमारे पास, सिंगुलर नाउन होते हैं, और एक हमारे पास क्या रहते हैं, प्लूरल नाउन। देखो जो डिपेंड करता है, जब फ्रैक्शन ऑफ, फ्रैक्शन के बाद ऑफ लगा होगा तो ये सब रूल फॉलो करने होते हैं। अगर सिंगुलर नाउन है तो आप क्या करोगे, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। अगर प्लूरल हमारे पास क्या है, नाउन है, तो आप लोग क्या करोगे, प्लूरल प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करोगे, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़ी एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एग्जाम्पल देखो मेरे पास, जैसे देखो हाफ हाफ ऑफ द होटल, हाफ ऑफ द होटल्स इज क्लोज्ड टुडे, ठीक है ना। देखो हाफ, देखो पहले देखो वर्ब क्या है हमारे पास, इज मेरे पास वर्ब है, क्वेश्चन करो, बट इज क्लोज टुडे हाफ ऑफ द होटल्स, ठीक है ना। आपको पता है ऑफ क्या है, ऑफ दी, ये जो लिखा है ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, मैंने आपको जी समझाया है, आप पिछले लेक्चर देख लो, ठीक है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज फ्रेज है, कट कर दो उसको। अब देखो इस सब्जेक्ट को देखो, ये कैसा है, होटल्स, तो ये क्या है बेसिकली मेरे, देखो जहाँ पे फ्रैक्शन लगा ना, फ्रैक्शन, तो ये क्या मेरे पास सब्जेक्ट होगा, जी मेरे पास सब्जेक्ट होगा, कट तो मैंने कर दिया, लेकिन डिपेंड करता है कि वर्ब मैंने कौन सी इस्तेमाल करनी है, वो इस पर, होटल्स क्या है मेरे पास, प्लूरल है ना, तो वर्ब जहाँ पे कौन सी इस्तेमाल होगी, प्लूरल, तो इसका जो प्लूरल फॉर्म वो क्या है, आर, ठीक है, जो जहाँ पे आर आएगा। अब एक और एग्जाम्पल देख लो आप, मजे से दूसरी एग्जाम्पल लिख लो, जैसे देखो 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है ना, 1/3 ऑफ द लैंड, 1/3 ऑफ द लैंड हैज़ बीन कल्टीवेटर, ठीक है ना, ठीक है, कल्टीवेटर। अब देखो यहाँ पे हैज़ क्या है, वट हैज़ बीन कल्टीवेटर, तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा मेरे पास, ये वाला मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है ना, जी मेरे पास वर्ब होगा, इसकी मैं, इससे मैंने क्वेश्चन किया, तो 1/3 ऑफ ऑफ लगाया यहाँ पे, कट कर दो। लैंड क्या है, लैंड मेरे पास एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी, वर्ब जो इस्तेमाल होगी वो हमेशा कौन सी इस्तेमाल होती है, कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था आपको,
क्या होती है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, सिंगुलर। तो ये क्या है? सिंगुलर है, ठीक है ना? जी आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं अगला वाला हम। देखो आज मैं जल्दी जल्दी से कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो भी अपलोड कर सकूँ मैं। अब देखो, अब आपको पता होगा हमारे पास ए नंबर रहता है, ए नंबर आपने जो पढ़ा भी होगा, ए नंबर और डी नंबर, ठीक है ना? ठीक है ना? अब देखो बेसिकली जो ए नंबर रहता है ना, ए नंबर मैं बोल रहा हूँ, ए नंबर जब आएगा तो वो क्या रहता है, जो सब्जेक्ट, अगर ये मेरे पास सब्जेक्ट है, जी मेरे पास अगर सब्जेक्ट है, क्या है जी मेरे पास अगर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी? ए नंबर हमेशा प्लूरल होगी, क्या होगी? प्लूरल, ठीक है ना? दाल गाने से देखो क्या होता है, पर्टिकुलर बन जाता है ना जी, है ना जी? पर्टिकुलर, हम पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पे बात करते हैं तो दाल गाते हैं ना, पर्टिकुलर को, जैसे द सन वगैरह वगैरह कुछ भी हम लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है हमारे पास, तो पर्टिकुलर बनने से ये क्या बन जाता है जी, हमारे पास ये पर्टिकुलर बन गया ना ये, तो ये होगा सिंगुलर। क्या होगा? सिंगुलर वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना? जैसे देखो एग्जाम्पल लिख लो आप, एग्जाम्पल देखो, ए नंबर, ए नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ट, वर्ब क्या मेरे पास है? मेरे पास वर्ब है। क्वेश्चन करो, हु हैव पास्ट, तो आंसर क्या आएगा? ए नंबर ऑफ गर्ल्स, आपको पता है। तो ए नंबर क्या है मेरे पास? ऑफ तो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है ना, कट कर दो, ठीक है ना? ऐसे तो गर्ल्स आया तो हैव लगा है, तो आपको पता है ये ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ए नंबर लगा है तो जहाँ पे जो वर्ब हमारे पास इस्तेमाल होगी वो क्या होगी? प्लूरल, क्या होगी? क्योंकि जहाँ पे ए नंबर लगा है तो तभी यहाँ पे प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हुई है, जब प्लूरल है ना, ठीक है। अब देखो, देखो द नंबर ऑफ द बसेस, बसेस इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इन इंक्रीजिंग। अब देखो जहाँ पे वर्ब है मेरे पास ये, इससे क्वेश्चन करो, बट इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द बसेस, आपके बाद ये तो बसेस है ना, ये तो है ही, क्योंकि प्रिपोजिशन फ्रेज के साथ कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता, तो हम कट कर देते हैं। तो जहाँ पे द नंबर क्या है हमारे पास, द नंबर मैंने देखा था सिंगुलर है ना, तो जहाँ पे इज आया है तो बिल्कुल सही है। अब देखो एक नोट करके लिखना, नोट करके लिखना कि अमाउंट हो, अगर देखो अगर अमाउंट के बारे में सब्जेक्ट हमारा हो, डिस्टेंस हो या फिर टाइम हो, जी हमेशा क्या रहता है? सिंगुलर रहता है। वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है इनके साथ? सिंगुलर। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, देखो एग्जाम्पल देखो, देखो जैसे देखो, सिक्स मीन्स इन द डेंटिस्ट चेयर फील लाइक ए लॉन्ग टाइम, ठीक है ना? तो जहाँ पे हमारे पास जो वर्ब है वो ढूंढो आप, फील है, बट फील लाइक ए लॉन्ग टाइम, तो उसे क्या होगा? सिक्स मिनट इन द डेंटिस्ट चेयर, ओके। सिक्स मिनट मतलब क्या है? ये अमाउंट, डिस्टेंस, टाइम है, ये टाइम लिखा है ना, वो तो टाइम हमेशा जहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, होगा हमेशा सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना? तो जहाँ पे क्या होगा इस्तेमाल? सिंगुलर वर्ब। तो जहाँ पे क्या आएगा? फील्स आएगा, क्या आएगा? फील्स आएगा। ये यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरे पास क्या है? टाइम है। डिस्टेंस के बारे में लिख लो आप, कुछ भी आप एग्जाम्पल इन सब को लेके बना सकते हो, तो प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।